साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। गुजरात में विधानसभा चुनाव समाप्ति की ओर है। 182 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 5 दिसंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है और सभी दलों की नजरें प्रभावशाली समुदाय पाटीदार और पटेल पर टिकी हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा चुनाव समाप्ति की ओर है। 182 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई, जबकि 5 दिसंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा। सभी दलों की नजरें प्रभावशाली समुदाय पाटीदार और पटेल पर टिकी हैं। जानकारों का मानना है कि ज्यादातर पाटीदार इस बार भाजपा को वोट देंगे। वहीं कुछ नेताओं का मानना है कि पाटीदार समुदाय के युवा मतदाताओं के पास इस बार आम आदमी पार्टी का विकल्प भी है। साल 2017 के चुनाव में भाजपा ने 182 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 99 सीटें ही जीतकर भाजपा सत्ता में वापसी कर पाई थी, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि भाजपा के खिलाफ हार्दिक पटेल के अभियान के कारण कांग्रेस को फायदा हुआ और उसे 77 सीटें मिली। पाटीदार समुदाय के अनुसार गुजरात में लगभग 40 सीटों पर पाटीदार मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, पर कुछ सामुदायिक नेताओं का दावा है कि सिर्फ 50 सीटों पर ही उनका दबदबा है। पटेल गुजरात की आबादी का लगभग 18% हिस्सा है। 2017 में 44 पाटीदार विधायक चुने गए, जो कि पाटीदार गुजरात की राजनीति में अपने प्रभाव को दर्शाता है। गौरतलब है कि मौजूदा चुनाव में भाजपा ने 42 पाटीदार नेताओं को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 40 पाटीदार नेताओं को भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी संख्या में पाटीदारों को टिकट दिया है। राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार पाटीदार समुदाय इस बार भाजपा का समर्थन करेगा। 2022 का चुनाव 2017 से अलग है। उस वक्त आरक्षण आंदोलन चुनाव का मुख्य मुद्दा था। इस बार आंदोलन का कोई असर नहीं है और ये भाजपा के पक्ष में है। खैर, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा कि चुनाव किस पार्टी के पक्ष में है। दिस रिपोर्ट प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।